हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देख सकते हो फ्रेंड, आपके सामने यहाँ पे capital.com जो ऐप आपको शो हो रहा है। तो चलो फ्रेंड, इस ऐप को मैं कर लेते हैं ओपन। तो देख सकते हो फ्रेंड, ओपन होते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, या फिर ऐसे आप एप्पल में यूज़ कर रहे तो देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू विद एप्पल, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आपको यहाँ पे कंट्री विथ रेजिडेंस, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो इंडिया आ चुका है। तो चलो फ्रेंड, इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, और उसके यहाँ पे देख सकते हो मिडिल नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, और उसके यहाँ पे देख सकते हो लास्ट नेम आपको यहाँ पे भर देना है। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने भर दिया, अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी भर देनी है। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस, आपको यहाँ पे एड्रेस भर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका पिन कोड भी यहाँ पे भर के एड्रेस यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसीज, तो यहाँ पे देख सकते हो टर्म्स एंड पॉलिसीज पे आप क्लिक करके यहाँ पे पूरी जो टर्म्स एंड पॉलिसीज है यहाँ पे पढ़ सकते हो। या फिर उसके बाद देख सकते हो ऑर्डर एक्सचेंजेस पॉलिसी, ये भी आप पढ़ सकते हो। या फिर जितने भी यहाँ पे रूल्स और पॉलिसीज है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आपके सामने यहाँ पे चूज योर अकाउंट करेंसी, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको GBP यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि पाउंड। उसके बाद देख सकते हो अभी US डॉलर का भी आपको मिल जाता है, और उसके यहाँ पे देख सकते हो यूरो का भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे आसान जो है US डॉलर का है। तो चलो, इसे भी ऑटोमेटिकली कर चुका हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आपको यह सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे UPI, बैंक कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र या ग्लोब पे से आप पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे UPI का सबसे आसान रहेगा। तो UPI पे मैंने क्लिक करके रखा है, अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड, आप यहाँ पे मिनिमम जो है $20 का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हो, और भी मैं ऐसे घटा के दिखता हूँ तो ना, इसमें मिनिमम जो $20 का ऑप्शन है। तो आपको जो इसमें मिनिमम $20 का यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पे चूज़ पेमेंट ऑप्शन, इसे मैं बैक करता हूँ। और बैक करने का देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट वॉच लिस्ट स्टाइल, तो आपको यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपको यहाँ पे कौन सा स्टाइल पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर का मैंने यहाँ पे कर रखा है, अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। अभी देख सकते हो इसमें आपको करना क्या है। देख सकते हो सबसे आसान तरीका आपको इसमें ट्रेडिंग करने का, तो देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या ऑप्शन आ चुका है, अर्न अप टू $100। $100 यानी कि होते हैं 7,500 रुपये तकरीबन। यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोस लाइक मिडल ट्रेडर्स टू capital.com एंड अर्न रिवार्ड्स। तो इसमें आपको करना क्या है, देख सकते हो यहाँ पे फंड योर अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो आपको इसमें क्लिक करके इसमें जो कुछ पैसे इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें जो ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, आपको मैं पहले ट्रेडिंग बता देता हूँ। तो देख सकते हो अभी बैलेंस है हमारे पास 0 बैलेंस है, हमने इसमें पैसे डिपॉजिट नहीं किए। डिपॉजिट करना है तो देख सकते हो यहाँ पे डिपॉजिट फंड पे क्लिक करके हम डायरेक्टली यहाँ से ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसे मैं बैक लेता हूँ। अभी ये जो पूरे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक स्टॉक है, तो आपको इसमें खरीदना पड़ता है। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे ऊपर जो टाटा मोटर्स लिमिटेड, अभी टाटा मोटर्स लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेल करने की प्राइस यहाँ पे देख सकते हो 32.40 है, और यहाँ पे बाय करने की प्राइस देख सकते हो 32.56 है। यानी कि इसमें देख सकते हो यहाँ पे 16 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉपर का यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे सिल्वर का प्राइस देख सकते हो, अब नेचुरल गैस, उसके यहाँ पे गोल्ड का प्राइस देख सकते हो। यहाँ पे गोल्ड का प्राइस है 1796.18, और उसके यहाँ पे बाय करने के प्राइस देख सकते हो 1796.48। यानी कि इसमें भी कम से कम, अभी देख सकते हो इसमें प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अभी उसका देख सकते हो इसमें बहुत सारे स्टॉक आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे रोल्स रॉयस का भी यहाँ पे आपको स्टॉक मिल जाते हैं।
तो सबसे आसान एक क्यों मैं आपको स्टॉक ऐप पे लेके बताता हूँ। अभी इसमें सबसे कम कीमत में है कॉपर, तो चलो फ्रेंड यहाँ पे कॉपर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपर पे क्लिक कर दिया, अभी इसका ग्राफ देख सकते हो, अभी इसका ग्राफ जो है सबसे ऊपर है, अभी देख सकते हो अभी और ऊपर जा रहा है, इसका भाव अभी बढ़ रहा है। तो हमने अगर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 4.3232 पे हमें इसमें हमने अगर बाय कर लिया, अभी देख लो इसे हमने 32.45 पे अगर यहाँ पे देख सकते हो इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इसे अगर बाय कर लिया, अगर इसकी कीमत कल समझ लो इसकी कीमत अगर पॉइंट मतलब यहाँ पे 5 पर चली गई, तो हमें इसे तुरंत ही सेल कर देना है, तभी हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाता है कुछ इस तरह से हमें इसे खरीदना पड़ता है। अभी जो इसकी कीमत है ये भी इसी बढ़ती कीमत है, तो इस टाइम हमें इसे खरीदना नहीं है। जब इसकी कीमत नीचे आ जाएगी, या फिर ग्राफ आपको शो रहा है ये जो ग्राफ जब नीचे आएगा तभी इसे हमें बाय कर देना है, और जब इसका ग्राफ ऊपर चला जाता है तो तब हमें इसे सेल करना है। कुछ इस तरह से हमें इसमें स्टॉक खरीदने पड़ते हैं। तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे प्राइस रेंज भी देख सकते हो, और उसके यहाँ पे देख सकते हो सेलर्स के यहाँ पे देख सकते हो, बायर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो, इसे लोगों ने बाद में से बहुत ज़्यादा खरीदा है, भी देख सकते हो सेलर्स प्राइस यहाँ पे बहुत ही कम है, यहाँ पे सेलर परसेंट यहाँ पे सिर्फ 7% है, और बायर्स यहाँ पे देख सकते हो 93%, यानी कि इसे बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पे वीकली का यहाँ पे देख सकते हो, मंथली का भी देख सकते हो, और यहाँ पे पूरे साल का यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें देख मिल सकती है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इन्फो, यहाँ पे आपको जो सबकी सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ही मिलेगी। तो अभी हमारे पास तो इसमें पैसे नहीं है, तो हमें इसमें सबसे पहले जो हमें इसमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, इसमें मिनिमम $20 डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसमें हम इसमें कॉपर हो सिल्वर हो या जो पसंद हो हम यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हैं, या फिर देख सकते हैं यहाँ पे एडिट वॉच लिस्ट पर हम क्लिक करके हमें मनपसंद जो हमें यहाँ पे स्टॉक चाहिए हम यहाँ पे ले सकते। तो देख सकते हो फ्रेंड, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे एड मार्केट्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपको जो भी यहाँ पे ट्रेड स्टॉक चाहिए वो आप यहाँ पे स्टॉक ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आपको इसमें बहुत सारे आपको इसमें मिल जाते हैं ऑप्शन। तो इसमें जो ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है फ्रेंड। उसके बाद आपको अभी दिखाते हो यहाँ पे अकाउंट पर लेके चलता हूँ आपको पे। तो देख सकते हो फ्रेंड, जैसे हम यहाँ पे अकाउंट पर आ गए, तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अकाउंट पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो माय अकाउंट पे हमें आना है, और जैसे हम यहाँ पे माय अकाउंट पे आ जाते हैं तो देख सकते हो पे नॉट वेरीफाइड, तो हमें सबसे पहले इसमें वेरीफाई करना पड़ता है। तो देख सकते हो पे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के लिए हमें पे आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका पासपोर्ट का होता है, आईडी कार्ड का होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, या फिर सबसे आसान हमें यहाँ पे आईडी कार्ड चूज़ करेंगे जिसमें हम आधार कार्ड दे सकते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, एक आ चुका है अपलोड फ्रंट साइड और दूसरा अपलोड बैक साइड। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे आधार कार्ड मैं अपलोड कर देता हूँ फ्रंट साइड और बैक साइड। आपको सिंपल यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद देख सकते हो भाई टेक अ फोटो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे देख सकते हो चूज अ फ्रॉम गैलरी। तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी ही यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो है तो आप यहाँ पे चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके डायरेक्टली इसे अपलोड कर सकते हो, या फिर टेक फोटो पे क्लिक करके आप इसे कैमरा ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से ही अपने आधार कार्ड का फोटो ले सकते हो। तो चलो मैंने यहाँ पे चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका फोटो है। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों भी यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया। अभी देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अभी देख सकते हो अभी हमारा जो अकाउंट है, अभी देख सकते हो अकाउंट इज रिव्यू, तो हमारा अकाउंट अभी रिव्यू में चला जाएगा, और जब रिव्यू हो जाएगा तब यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाएगा, और उसके बाद देख सकते हो अभी एड लाइव अकाउंट पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे योर अकाउंट इज इन रिव्यू, तो हमारा अकाउंट अभी रिव्यू में चल रहा है, जब यहाँ पे हमारा रिव्यू हो जाएगा कंप्लीट तब हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
तो देख सकते हो फ्रेंड, आप में इसमें देख सकते हो फ्रेंड, आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि डिपॉजिट का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, और उसका देख सकते हो विड्रॉ का ऑप्शन है। तो जब आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, अभी देख सकते हो मेरा अकाउंट यहाँ पे रिव्यू में चला गया, अभी रिव्यू हो जाएगा तो फिर वेरीफाई हो जाएगा। जब देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जब वेरीफाई हो जाएगा, अभी देख सकते हो अभी वेरीफाई नॉट वेरीफाइड, तो मेरा अकाउंट अभी वेरीफाइड नहीं हुआ। जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो यही पे क्लिक करके हम यहाँ पे पैसे जितने भी हमने इसमें कमाए है तो हम यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अब मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।